दिया। बीकानेर में सोमवार को पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा के करीबी दानाराम का घर तोड़ दिया। पुलिस ने दानाराम पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हम वो सारा काम करेंगे जिससे माफिया का जो इकोसिस्टम है वो टूट जाए, तहस नहस हो जाए, जिसको अंग्रेजी में स्मैश कहते हैं। हम उसके पूरे इकोसिस्टम को स्मैश करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि जो उसके आर्थिक स्रोत हैं, उसके फाइनेंसेस के जो स्रोत हैं, उन पे चोट किया जाए। और अपराध के धन से जो उन्होंने सृजित किया है वो तो एक लंबा लीगल प्रोसेस है, बट अगर हम जानते हैं कि ये अपराधी है और इसका जो निर्माण अवैध है, तो पुलिस उसकी सूचना लोकल अथॉरिटीज़ को देती है और उनके माध्यम से उसको डिमोलिश कराती है। हम एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि अपराधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम जो कुछ भी हमारे पास पावर है उन शक्तियों